दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सफारी ब्राउजर को आप अपने विंडोज पीसी में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हम अपने पीसी में क्रोम ब्राउजर ज्यादातर यूज करते हैं जो कि एक गूगल की सर्विस है, वैसे ही सफारी ब्राउजर मैक ओएस यानी कि एप्पल के लैपटॉप में आपको देखने को मिलता है। तो इसे हम अपने विंडोज पीसी में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने पीसी में क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है सफारी ब्राउजर फाइल हॉर्स। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा है सफारी फॉर पीसी डाउनलोड, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर सफारी ब्राउजर यहाँ पर पीसी के लिए अवेलेबल है, यहाँ पर सफारी फॉर पीसी। तो यहाँ पर सामने आपको यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो इसका जो सेटअप है वो यहाँ पर हमारे पीसी में डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर सेटअप डाउनलोड हो गया है देखिए। उसके बाद यहाँ पर हमें डबल क्लिक करना है। उसके बाद हमें इसे इंस्टॉल करना है, तो यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आई एक्सेप्ट, यहाँ पर टर्म को एक्सेप्ट करना है आपको, नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शन है, इंस्टॉल सफारी डेस्कटॉप शॉर्टकट, अगर आप शॉर्टकट रखना चाहते हैं अपने डेस्कटॉप पे तो इसे चेकमार्क लगा रहने दीजिए, तो मैं इसे डिफॉल्ट ही रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये आपसे लोकेशन पूछ रहा है, ये बाय डिफॉल्ट आपकी सी ड्राइव में इंस्टॉल होगा, आप यहाँ से इसकी लोकेशन चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, तो मैं इसे बाय डिफॉल्ट रहने देता हूँ। उसके बाद हमें यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर एक पॉपअप आएगा, इसको आपको यस कर देना है। तो यहाँ पर सफारी ब्राउजर हमारे पीसी में इंस्टॉल होने लगेगा। उसके बाद यहाँ पर इसे फिनिश कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सफारी ब्राउजर हमारे पीसी में इंस्टॉल हो गया है और इसका शॉर्टकट भी हमारे डेस्कटॉप पे आ गया है। मैं इसे ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए गूगल यहाँ पर ओपन हो गया है। तो दोस्तों इस तरह आप भी बहुत ही आसानी से सफारी ब्राउजर को अपने विंडोज पीसी या लैपटॉप में यूज कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।